नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जंगल में मिली रहस्यमय चीजों को, जिन्हें देखकर जानकार भी हैरान है, क्योंकि इनकी मौजूदगी पर कई सवाल हैं, जिनके जवाब किसी के भी पास नहीं हैं। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड। लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड, इसकी खोज शुरू हुई थी 1940 में। खोजी थियोडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उसने लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड को खोज लिया है और वहां कई हनुमान जी की मूर्तियां भी मिली हैं। इस घटना के कुछ समय बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और उसी बीच थियोडर की मौत हो गई। अब 2015 का समय था जब खोजी डगलस प्रेस्टीन ने एक टीम बनाई और एक जगह खोजी जहां खुदाई का काम शुरू किया। यहां की सभ्यता के बारे में एक बात मशहूर है कि ये सभ्यता एक परजीवी के रोग के कारण खत्म हुई थी। डगलस प्रेस्टीन और उनकी टीम के लोगों को भी बिल्कुल उसी तरह का त्वचा का रोग हुआ, जिस वजह से ये लोग इस खुदाई का काम छोड़कर वहां से भाग गए। ग्वातेमाला स्टोन हेड। जब 1930 में ग्वातेमाला के जंगल में कुछ लोग शिकार कर रहे थे, तब वहां उन्हें ये चेहरे की मूर्ति मिली। इसकी तस्वीरें जब सामने आई तो जानकार इस मूर्ति को कीमती मानकर इसकी खोज में निकले। माना जाता है कि ये मूर्ति यहाँ रहने वाली माया सभ्यता के लोगों ने बनाई थी, जो इसे और कीमती बनाता है। लेकिन जब तक जानकार वहाँ तक पहुँचे, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि उस समय इस जंगल में कई गैंगस्टर्स रहा करते थे, जिन्होंने इस मूर्ति पर गोलियाँ मारकर पूरी तरह से तोड़ दिया था। ये मूर्ति अब बची ही नहीं है। लॉस्ट सिटी ऑफ जायंट्स। 2012 में अमेरिका के इक्वाडोर के जंगलों में पुरातत्वविदों को ऐसे सबूत मिले जिससे साबित होता है कि एक समय धरती पर विशालकाय इंसान रहा करते थे। यहाँ पर मिले बड़े बड़े पत्थर, जिसे हिलाने के लिए कई सौ लोग लगेंगे। यहाँ मिले बड़े बड़े पैरों के निशान और औजार, जिसे आम इंसान हिला भी नहीं सकते हैं। कुछ जानकारों ने तो यहाँ कई बड़े बड़े कंकाल मिलने की बातें भी कही हैं, लेकिन उनका कोई सबूत नहीं मिला। आपका क्या मानना है? क्या धरती पर विशालकाय इंसान रहा करते थे कि नहीं? मैरी कॉक्सी एक आदमखोर विशाल आकार वाला जानवर है, जिसे कई बार अमेज़न के जंगलों में देखे जाने की बातें सामने आती रही हैं। पहली बार मैरी कॉक्सी के बारे में 1914 में फर्सी फॉरेस्ट ने बताया, क्योंकि उनका सामना उससे हुआ था जब वो जंगल का नक्शा बना रहे थे। तब मैरी कॉक्सी ने उनकी टीम पर हमला कर दिया, जिस वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा। फर्सी फॉरेस्ट वहां से बच निकलने के बाद उन्होंने अपनी इस घटना के बारे में एक किताब लिखी, लेकिन कुछ साल बाद जब वो फिर से उस जगह पर गए, तब तो उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। सिंगरिया। श्रीलंका के दम्बोला शहर के पास के जंगल में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में से एक मौजूद है, जिसे सिंगरिया कहा जाता है। इस जगह का मुख्य आकर्षण एक विशाल चट्टान है, जो 650 फीट से अधिक लंबी है और जिसे 480 ईस्वी के आसपास राजा कश्यप के लिए बनाया गया था। इस पहाड़ को राजा कश्यप एक महल का रूप दिलवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने भाई से जान का खतरा था, ऐसी कहानियां प्रचलित हैं। सिंगरिया पहाड़ के नीचे के हिस्से को आप देखोगे तो आपको शेर के पंजे की संरचना नजर आएगी। वो इसलिए क्योंकि राजा कश्यप इस पूरे पहाड़ को शेर की शक्ल में बनवाना चाहते थे। आज यहाँ पर्यटकों की भरमार रहती है और जंगल की खूबसूरती के साथ सिंगरिया की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है।